आज इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम का, एएसी का, व्यावहारिक हिंदी का सिलेबस जानने वाले हैं। अगर आपके पास भी व्यावहारिक हिंदी एज अ सब्जेक्ट है एएसी में थर्ड सेमेस्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एनसी वेब एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए, व्यावहारिक हिंदी का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। आपको टोटल जो है 3 यूनिट्स पढ़नी होगी, आपको इसमें टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी होगी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना है व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न रूप, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा यूनिट 2 जो है इसमें आपको पढ़ना है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप, सार्वजनिक स्थल पर हिंदी का प्रयोग, ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर हिंदी का प्रयोग इन द सेंस कि आप कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, डेली यूज़ में, जैसे बैंक है ना, एंड ये जो बैंक वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, बट हिंदी में भी हम बैंक ही बोलते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश एंड हिंदी में हम सेम ही बोलते हैं, उनके बारे में, क्योंकि मेनली आपको इस कोर्स में वर्ड मीनिंग पर ही फोकस करना है, ठीक है, वर्ड मीनिंग ही सीखनी है। ये देखिए, बैंक में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कार्यालयों में प्रचलित शब्दावली, बाजार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो आपको इस कोर्स में मेनली क्या करना है, वर्ड मीनिंग सीखनी है, ठीक है, बैंकों में यूज़ होने वाली वर्ड मीनिंग, एंड ये जो प्रशासन संबंधित कार्यालय जो है वहाँ पर जो वर्ड मीनिंग होती है वो सब आप पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 यूनिट्स आएगी आपकी, ये आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। हम भी आपको कोशिश करेंगे एएसी का सिलेबस करवाने की, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।